हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक नोटिफिकेशन साउंड किस प्रकार से चेंज करता है वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फोन, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है, एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और इसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तब आपको यहीं पर दिखेगा वाइब्रेशन फॉर कॉल, इन सब का ऑप्शन पर आपको डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक करना है। अभी तो ये वाला साउंड शॉर्ट है, तो यहाँ से मैं आपको बजा के दिखा देती हूँ। नॉन पे कोई साउंड नहीं होता, यहाँ से बजना शुरू होता है। एंड जो भी आपको पसंद आता है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को रनिंग ये पसंद है, एंड इसके बाद इसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका सेट हो जाता है। देख सकते हैं सेट हो चुका है। सॉरी फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो फ्रेंड्स, आप मतलब कि ऐड नोटिफिकेशन में क्लिक करके अपना जो भी म्यूज़िक डाउनलोड कर रखे या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड इसे बैक करेंगे और इनमें से तो मुझे ये पसंद आया डाउन, एंड इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर से चेंज हो चुका। देख सकते हैं नोटिफिकेशन साउंड, इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।